हम कक्षा पांचवी विषय हिंदी दूसरी इकाई पाठ क्रमांक एक गांव और शहर इस पाठ के दूसरे भाग का यानि शहर का अध्ययन करेंगे। पृष्ठ क्रमांक 27 पर दिए हुए चित्र का निरीक्षण करो। यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है? हाँ, आपको यहाँ पर शहर का चित्र दिखाई दे रहा है, बराबर। शहर को नगर भी कहा जाता है। चित्र में शहर के संबंधी नारा दिखाई दे रहा है, जैसे शुद्ध हवा पानी का तंत्र, स्वस्थ जीवन का मंत्र। शहर के चित्र में कई मंजिलें आलीशान मकान दिखाई दे रहे हैं। यहाँ के घर पक्के बने हुए होते हैं। यहाँ के लोग नौकरी या व्यवसाय करते हैं। मकान सड़क के किनारे बने हैं। वे अलग अलग प्रकार के और अलग अलग आकार के हैं। मकानों की छत पर पानी की टंकियाँ हैं। चित्र में शहर के संबंधी नारा दिखाई दे रहा है, जैसे स्वच्छ नगर, सुंदर नगर। शहर की सड़कें चौड़ी, सुंदर और साफ सुथरी है। सड़कों पर प्रकाश की सुंदर व्यवस्था है। बिजली के खंभों पर लगे बल्ब रात के समय दूर दूर तक प्रकाश फैलाते हैं। सड़कों पर बस, कार, दुपहिये तथा रिक्शे दिखाई दे रहे हैं। एक बस एक मंजिल वाली है और दूसरी दो मंजिल वाली जा रही है। यहाँ बिजली की भरपूर व्यवस्था है। सड़क पर स्ट्रीट लैंप है। सड़क पर लोगों की भीड़ दिखाई दे रही है। सड़क पार करने के लिए जेब्रा क्रॉसिंग बने हुए हैं। शहर का जीवन भागा दौड़ी का होता है। उनका पहनावा आधुनिक तरह का होता है। सड़क पर ट्रैफिक सिग्नल लगा हुआ है। लोग अनुशासन के साथ उसका पालन कर रहे हैं। इस सड़क के बीचों बीच फव्वारा बनाया हुआ है। वो शहर के सुंदरता को और बढ़ा रहा है। इस सड़क के बीच रंग बिरंगे फूल और छोटे छोटे पौधे लगाए हुए हैं। यहाँ स्वच्छता का भरपूर ध्यान रखा गया है। चित्र में शहर के विकास संबंधी नारा दिखाई दे रहा है, जैसे अनुशासन के साथ देश का विकास। पैदल चलने वाले लोगों के लिए फुटपाथ बने हुए हैं। यह एक सुंदर और समृद्ध शहर प्रतीत हो रहा है। इमारतों के ऊपर सोलर सिस्टम की व्यवस्था की गई है, जिससे चलते हम सूर्य प्रकाश का उपयोग कर सकते हैं। यहाँ पर बड़ी बड़ी दुकानें भी है। शहर में आपको उड्डान पुल भी दिखाई दे रहा है, जहाँ से बस जा रही है। इसी तरह अनेक सुविधा शहर में है। तो बच्चों, आज हमने गांव और शहर इस पाठ में शहर का अध्ययन किया। आपको ये समझ में आया होगा, ऐसी आशा करती हूँ।